Morning dear students, welcome once again to the online class session of class 9th. So we always studying political science, constitutional design chapter. Your comments are coming in a very nice way. बहुत अच्छा लग रहा है, comments आपके आ रहे हैं. बस एक चीज़ थोड़ी सी अभी भी कमी है, there is a drawback in that कि आपके जो assignments हैं, in fact assignments में तो आपको answers मिल जा रहे हैं, तो अब वो काम नहीं उस नंबर्स में आ रहे हैं. आई नीड दैट वर्क ऑल्सो इन द सेम नंबर. तो कमेंट्स करो, बहुत अच्छी बात है. आज भी लास्ट में वीडियो के मैं बताऊंगा कि किन किन बच्चों ने कमेंट किया, और आज भी एक बीच में से, मिड में से, टॉपिक में से क्वेश्चन पूछूंगा. बट बी लिटिल सीरियस अबाउट द सबमिशन ऑफ योर असाइनमेंट. दैट इज ऑल्सो टू नेसेसरी. दैट इज द मेन पार्ट ऑफ योर कोर्स. मीन्स यूर एक्सप्लेनेशन इज गोइंग ऑन हियर. And this is online, but that you are doing it in your copy, in your subject copy. That is a actually work record of what you are studying. So at the time of revision or completion or checking, everywhere it will be needed. तो आप ज़रूर से उस काम को पूरा करो. और जहाँ भी doubt है, जैसा मैंने कहा, if you are having any doubt, just you are free to ask it on my WhatsApp, on group, or you can call me. Any way you can clear your doubts, you are free for that. तो आज स्टार्ट करते हैं टॉपिक को. कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बताने के पहले थोड़ा सा एक टॉपिक बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो बनी ही, जो संविधान सभा बनी संविधान को बनाने के लिए. इंडिया के कंटेक्स्ट में हम लोग आ चुके हैं, लेकिन उसके पहले 1928 में मोतीलाल नेहरू ने 8 कांग्रेस लीडर्स के साथ ही ड्राफ्ट कर दिया था एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है. वो अलग की बात है कि वो लागू नहीं हो पाया, बट ड्राफ्टिंग कर दी थी उसकी. और दूसरी चीज़, जो दूसरा टॉपिक है, वो इंस्टीट्यूशनल इवैल्यूएशन है. इंस्टीट्यूशनल इवैल्यूएशन मींस कि आप ऐसे कह लो कि जो 1940s के अराउंड में जो प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए ब्रिटिशर्स के ही अंडर में, उनके वजह से एक तरह का जैसे एक्सपीरियंस मिलना कि एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी ड्राफ्टेड पड़ा हुआ था. दूसरा, हमारी कई संस्थाओं के जो चुनाव हो चुके थे, चाहे वो अंग्रेज़ों के अधीन ही थे, तो लेकिन एक सिस्टम मालूम था कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें रखनी है. थोड़ा और ब्रॉड करना है, इलेक्शंस कैसे होते हैं, कैसे हमारे रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं, क्या वो काम करते हैं, किस एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, इसका एक तरह का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लगाए ही इसकी आपको जानकारी मिल गई थी इंडियन गवर्नमेंट को या लोगों को. ये काम आया हमारे इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए जो ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डन बाई असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे उनके द्वारा ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, और वो असेंबली बनाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को. संविधान सभा जो तैयार हुई वो बनाई ले. और जो इसकी डेट है, जो ये डेट आपका दे रहा है, इलेक्शंस टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जुलाई 1946 में हुए. ये चुनाव हुए, इसमें जो लोग चुन के आए वो संविधान सभा में 299 मेंबर्स थे आपके टोटल बाद में जो हुए. फिर पार्टीशन हो गया, 1947 में पार्टीशन हो गया, देश का बंटवारा हो गया, जो है इंडिया पाकिस्तान दोनों बन गया. तो अब ऑब्वियस है कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो भाई जो ऐसे बहुत से लोग थे जो पाकिस्तान डिवाइड होने के बाद पाकिस्तान चले गए, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिवाइड हो गई. लेकिन एट लास्ट जो जिस कमेटी ने लिखा, मींस जो ओवरऑल कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूशन की थी, वो थी 299 मेंबर्स की. दिस वाज द टोटल नंबर. अब इन्होंने जो लिखा उसको एडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को, और इफेक्ट में आया 26 जनवरी 1950 को. और आप सब जानते हैं 1950 को हम मनाते हैं, 26 जनवरी को क्या चीज़ क्या मनाते हैं, रिपब्लिक डे. यही रिपब्लिक डे. तो इस तरीके से हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के तरफ से बढ़ते हुए चले आए. बहुत से फॉरसाइटेड लीडर्स अभी आगे, आज कुछ की मैं कुछ मेन, वैसे तो जो 299 मेंबर्स थे इलेक्टेड थे, कई नॉमिनेटेड थे. मींस एवरी कमेटी, एवरी कास्ट कमेटी जो थे उनके लोगों को रखा गया था, कि जिससे किसी का भी कोई व्यू छूटने ना पाए, जो भी अल्पसंख्यक थे, माइनॉरिटीज से या मेजॉरिटीज से, हर तरह के लोग. और मैं बार बार ये कहता हूँ कि वी आर वेरी मच लकी कि जो है हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लीडर्स थे, दे वर वेरी फॉरसाइटेड, बहुत दूरदर्शी थे.
आप देख लो जो अगला टॉपिक है, इसीलिए मैंने वो इंट्रोडक्शन में कहा लेजिटिमेसी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मीन्स आज के दौर में जो हमारा भारतीय संविधान है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी लेजिटिमेसी, संवैधानिकता, मीन्स कहाँ तक ये एक्टिव है, कहाँ तक आज के डेट में भी इम्पोर्टेंस है। तो डेफिनेटली ये है। मैं आपको बताऊँ कि आप अपने पड़ोस में देख लीजिए, पाकिस्तान में कितने बार ऐसा होता है कि वहाँ देश की सरकार चल रही होती है और अचानक सेना तख्ता पलट कर देती है और जो सेना अध्यक्ष होता है उस द रूलर ऑफ द आर्मी बिकम्स द रूलर ऑफ द कंट्री। मैनी टाइम्स इट हैज़ हैपन्स। अभी रिसेंट वाला जो था वो आपको परवेज़ मुशर्रफ का नाम हो सकता है आपने सुना हो या आप जान रहे हो, यू विल स्टडी अबाउट हिम। उसके पहले भी और जनरल ज़ियाउल हक और ऐसे इस तरीके से बहुत से लोग ऐसे रहे हैं जो जिन्होंने कि डेमोक्रेसी का गला घोट दिया है, डेमोक्रेसी ख़त्म करके। आप सोचिए कि आर्मी हमारे पास उनसे बड़ी आर्मी है, बट हियर आर्मी इज़ ओनली टू प्रोटेक्ट द कंट्री फ्रॉम एक्सटर्नल फोर्सेज एंड समटाइम्स इफ नीडेड दे वर्क इन इंटरनल ऑल्सो सिविल वॉर और एनी कैलेमिटी और डिज़ास्टर। उनको अपना दायरा मालूम है, वो अपने दायरे में रहते हैं और अच्छे से देश की सेवा करते हैं, रूलिंग में नहीं आते। वो लिमिटेशंस, वो रूल्स बनाए गए हैं। अब आप जैसे मैंने एग्जांपल दिया है पाकिस्तान का, तो वहाँ हालत ऐसे बहुत से देश हैं। दूसरी चीज़, जितनी डाइवर्सिटी, मैं जो लेजिटिमेसी की बात कर रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन की, जितनी डाइवर्सिटी हमारे देश में, कि अगर मान लो अमेरिका है तो अमेरिका में जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कलर बेसिस चल रहा है, दोनों क्रिश्चियंस, तो बस डिफरेंस ब्लैक्स और वाइट्स का है। ब्लैक्स टेंड्स टू बी पुअर एंड वाइट आर मेनली रिच एंड एजुकेटेड एंड लिटरेट। वो एक डिफरेंस चला आ रहा है रेशियल स्किन बेसिस और डिस्क्रिमिनेट हो रहा है, अपार्थीड जिसको हम कहते हैं। हम लोग के यहाँ तो रिलीजन्स भी अलग अलग बहुत से हैं। रिलीजन्स के बाद हमारे यहाँ जो उन रिलीजन्स में कास्ट हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, कास्ट के बाद सब कास्ट हैं, और रिलीजन के साथ रीजनलिज्म भी हमारे यहाँ है, क्षेत्रवाद। रिलीजन तो धर्म हो गया और रीजनल हो गया क्षेत्र, तो हमारे यहाँ क्षेत्रवाद बहुत ज़्यादा है कि अलग अलग रीजन्स के लोगों की सोच अलग अलग है, उनके पहनावे, उनके खान पान, वे ऑफ मीन्स ड्रेसिंग एंड फूडिंग एंड लैंग्वेज, एवरीथिंग इज़ एक्चुअली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो इतने डाइवर्सिफाइड या इतने वर्सेटाइल कंट्री को एक संविधान जब से बना 1950 से और आज आपके 70 साल हो गए, आज तक अगर बांधे हुए, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि सेना आके बैठ गई हो या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी चीज़ के सोल्यूशन को ना निकाल पाया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो इट मींस कि जो बनाने वाले लोग थे, जो ये पूरे 299 मेंबर्स थे, दैट क्रेडिट गोज टू ऑल द 299 मेंबर्स, नॉट एनी वन पर्सन, अकॉर्डिंग टू मी, मेरा ऐसा अपना मानना है, क्योंकि इन सभी के सुझाव थे। कोई भी जब मैटर, कोई लॉ, एक एक्ट बनता था, सपोज करो एक लाइन ये डिस्कस हुई, 299 मेंबर्स बैठे हुए हैं, तो जब सबकी अप्रूवल मिल जाती थी कि एवरीबडी इज एग्रीड, कुछ डिसएग्री हुए तो जो डिसएग्री हुए उनको सेटिस्फाई किया गया, या ज़्यादा लोग डिसएग्रीड हो रहे हैं तो उनकी बात को माना गया, तब जाके ये अप्रूव होता था। बाद में ड्राफ्टिंग में उसको किस तरीके से लिखना है वैसे लिखा गया। तो एवरी मेंबर हैड इट्स रोल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इतने हाईली एजुकेटेड लोग, सरोजनी नायडू, बहुत से लोग थे। अभी 3-4 का मैं डिस्क्रिप्शन भी आपको शॉर्ट में दूंगा। तो सो मच एजुकेटेड एंड फॉरसाइटेड क्लास वॉज इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज़ वाई आई फील कि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड एंड वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। एक चीज़ और, तो जो लेजिटिमेसी की मैं बात कर रहा था कि इस वजह से आज भी हमारा संविधान बहुत ही मजबूत है। इसके लिए मैं एक लाइन यहाँ से मैं आपको बता दूँ कि many of the countries had to rewrite their constitution afresh just because their basic rules were not acceptable to major social groups or political parties. कई बार ऐसा हुआ है कई देशों में कि संविधान बनने के बाद कई बड़ी पार्टियां उसको मानने से इनकार कर दी, या कोई बड़ा सोशल ग्रुप जो ज़्यादा संख्या में रहा हो उसने मना कर दिया। तो ऐसा हम लोग क्या नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन बना, हमारे यहाँ माइनॉरिटीज़ को भी वही पावर दिया गया जो मेजॉरिटी को था, लेकिन नेवर मेजॉरिटी हैज़ ऑब्जेक्टेड दैट कि नहीं, दिस रूल शुड नॉट बी, और दिस एक्ट शुड नॉट बी गिवन, और दिस फैसिलिटी शुड नॉट बी गिवन टू दीज पीपल। तो मींस ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज और ऑल द सोशल ग्रुप्स, ऑल द पीपल, मींस ईच एंड एवरी सिटीजन हैज़ फॉलोड दैट कॉन्स्टिट्यूशन। तो दैट इज़ द मेन लेजिटिमेसी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मीन्स वर्किंग कैसे काम करते थे। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ कि असेंबली जो थी उस समय कांग्रेस
बहुत पावरफुल थी, और उस कांग्रेस के वजह से थोड़ा सा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो डोमिनेट होती थी कांग्रेस से, और जिस चीज़ का कई लोग, जैसे चूंकि इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लोग जो थे रिप्रेजेंट करने वाले लोग, वो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग भी थे, अलग अलग सोशल ग्रुप्स के लोग थे, अलग कास्ट के लोग थे, अलग अलग क्लासेस के लोग थे, अलग धर्मों के लोग थे, या आप कह सकते हो अलग ऑक्यूपेशंस के भी लोग थे, तो ये ऐसा नहीं था कि सिमिलैरिटी थी सब में। तो जाहिर सी बात है कि सभी कोई समर्थक नहीं हो सकता किसी भी पार्टी का, कभी भी नहीं ये संभव है जो है, और वो लोकतंत्र के लिए अच्छा भी नहीं है कभी भी ऐसा हो जाए तो। रोटी दोनों तरफ से सेक के खाने पे ही सही है, एक तरफ पकाते रहोगे तो एक तरफ से कच्ची रह जाएगी और या एक तरफ से जल जाएगी, जो है दोनों चीज़ें होती हैं। तो डेमोक्रेसी में तो जो चेंजेस होते रहते हैं वो दैट आर मच बेटर फॉर डेमोक्रेसी, क्योंकि जब चेंज होता है तो फिर वो अगली पार्टी कॉम्पीट करती है और उसमें आगे आने की कोशिश करती है, इसलिए वो बेटर प्लान्स और पॉलिसीज़ बनाती है, और जो पार्टी बनी रहती है वो ऐसे पॉलिसीज़ बनाना चाहती है जिससे कि वो अगला इलेक्शन जीते। तो अल्टीमेटली वो डेमोक्रेसी के लिए भी बेनिफिशियल होता है और हमारे आप जैसे सिटीजन्स के लिए भी बेनिफिशियल हो जाता है। तो इसमें अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग, ग्रुप्स के लोग, कास्ट रिलीजन्स के लोग थे, दे एक्चुअली सम ऑफ देम वर नॉट एक्चुअली एग्रीड विद द डोमिनेशन ऑफ कांग्रेस। तो धीरे धीरे एक म्यूचुअल कंसेंट बना, जैसे अब 299 लोग एक साथ रोज बैठ रहे हैं, तो धीरे धीरे जो हमारे बीच में विरोधाभास है, मीन्स जो डिफरेंसेस हैं, वो जब हम बैठते हैं साथ में काम करते रहते हैं तो समटाइम्स वो जो फ्रैक्शंस होते हैं वो कम होते चले जाते हैं या ख़त्म भी हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ, एक तरह का म्यूचुअल कंसेंट हुआ, मीन्स जिन मुद्दों पे मतभेद था कि भाई हम कांग्रेस के सपोर्टर नहीं हो सकते अगर हम नहीं हैं तो, सपोज़ इन लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं करने खड़ा हुआ हूँ, तो अब वो उनमें से लोग कांग्रेस के सपोर्टर नहीं होना चाहेंगे, लेकिन म्यूचुअल कंसेंट किस चीज़ पर बना होगा, आपसी समझौता किस चीज़ पर हुआ होगा कि वाई वी आर हीयर, तो वी आर हीयर टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन, वी आर हीयर टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, वी आर हीयर टू गिव द पॉइंट्स रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो हम पॉइंट्स दे रहे हैं उसके रिगार्डिंग हम काम करें, इस कमरे से निकलने के बाद बाहर चाहे हमारे आप में बिल्कुल भी बातचीत ना हो, प्रोफेशनल होना जिसको हम कहते हैं कि हम जिस काम के लिए आए हैं, क्या आई एम हीयर टू क्लास टेक योर क्लास टू एक्सप्लेन दिस चैप्टर, तो माई मेन ड्यूटी इज दैट। तो वैसे ही इन लोगों ने म्यूचुअल कंसेंट बनाया कि हमको जनता ने चुन के भेजा है, तो हमारे चाहे डिफरेंसेस जिस भी चीज़ को हो बने रहे, लेकिन हम कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करेंगे। तो इस तरीके से जो है वर्किंग स्टार्ट हो गई। अब इसमें जो है ड्राफ्टिंग कमेटी और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी तो जो थी वो जो ड्राफ्ट की, 114 डेज उसको लगे थे ड्राफ्टिंग में जो है, और ओवरऑल जो डेज हैं कॉन्स्टिट्यूशन बनने में वो लगे थे 2 years 11 months 18 days। अभी भी यहाँ क्वेश्चन नहीं मैं पूछने वाला हूँ, कुछ बच्चे मुझे लग रहा है ऐसा कि तैयार हो गए होंगे, सर लग रहा है यही वाला आज क्वेश्चन पूछेंगे, तो ऐसा नहीं, दैट आई विल आस्क इन लास्ट एंड आई विल टेक योर नेम ऑल्सो इन लास्ट, क्योंकि कई लोग बहुत जल्दी में वीडियो देख के निकल ले रहे हो, तो आई वॉन्ट यू शुड वॉच इट प्रॉपरली, सीरियसली आपके काम के लिए है बेटा, इस पर ध्यान लगाइएगा। तो ये ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी, ड्राफ्टिंग कमेटी जैसा आपने पहले भी आप जानते भी हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी जो थे वो इसके क्या थे, चेयरमैन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन नहीं थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन जो थे, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका नाम सुना है आपने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नाम सुना है आपने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी चेयरमैन थे, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसके चेयरमैन थे, और कहीं और भी नाम सुना है आपने, ये हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति, फर्स्ट प्रेसिडेंट भी रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऐसे फॉरसाइटेड लोग, इतने हाईली एजुकेटेड लोग, ये पूरी कमेटी ही, पूरी बहुत ही शानदार कमेटी थी जिसने हमें एक शानदार संविधान दिया,
जिसके बदौलत ही देखिए मतभेद तो थोड़े बहुत देश में बने रहेंगे सबके बीच में, वो एक ही घर में आपके पांच लोग हैं और पांचों से सवेरे उठ के पूछ लिया जाए क्या नाश्ता करोगे आज और अपना व्यू खुल के बताओ, तो पांचों के डेफिनेटली आइटम्स अलग अलग निकल के आएंगे, तो वो डिफरेंसेस अलग चीज़ है। बट कॉन्स्टिट्यूशन ने जिस तरह से बाइंड किया हुआ है इतने बड़े जनसंख्या वाले देश को, इतने विविधता वाले देश को, वो इसकी खासियत है जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या बी आर अम्बेडकर या और बड़े लीडर्स ने लिखा या बनाया। अब जैसा मैंने कहा था आपसे कि मैं आपको कुछ थोड़ा सा जो है इनके बारे में मैं बता दूं, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मुझे देना है और वो हो सकता है मैं आपको असाइनमेंट में भी दूं, तो वो मैं चाहता था कि मैं आपको दे दूं। देखिए इम्पॉर्टेंट मेंबर्स में सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये इम्पॉर्टेंट मेंबर्स हैं, ये ध्यान रखना, इम्पॉर्टेंट मेंबर्स फ्यू लगा दे रहा हूँ मैं, चूँकि मैं सबका नाम लिख नहीं रहा हूँ तो बहुत को लेंदी हो जाएगा, आप अपने बुक से लेकिन ज़रूर स्टडी करिएगा। फ्यू इम्पॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, तो यहाँ पे ये इनके नाम है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसा भी मैंने बताया ही था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ये प्रोमिनेंट मेंबर्स हैं आपके, ठीक है, फिर एच सी मुखर्जी, दुर्गा भाई देशमुख, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये मैंने कुछ जनरल नेम्स आपको दिए हैं प्रोमिनेंट नेम्स, तो जैसे जो नाम है मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ, कुछ प्रोमिनेंट नेम्स बता रहा हूँ मैं आपको, इट इज़ नॉट सो दैट ओनली दीज वर इम्पॉर्टेंट, जैसे मैंने कहा कि जब कोई टीम बनती है तो चाहे गोल उसमें से कोई एक आदमी मैसी कर रहा है लेकिन मैसी तक बॉल कौन पहुँचा रहा है वो अलग की बात है कि वो उतना हाईलाइट ना हो, लेकिन गोल होने तक में जो रोल है वो पूरी टीम का होता है। तो इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब नाम दिया गया है तो आई थिंक द रोल वॉज इक्वल ऑफ ऑल द मेंबर्स, कुछ ये नाम ऐसे थे चूंकि ये हम सब जानते हैं कि भाई सरदार पटेल को हम सब जान रहे हैं आयरन मैन, और इतने कंट्री को जितने प्रिंसली स्टेट्स थे उनसे बाहर लाने में कितना बड़ा रोल था, होम मिनिस्टर हमारे थे, लॉयर थे बाई प्रोफेशन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी लॉयर थे, अधिवक्ता दिवस उनके जन्मदिन पर मनाया जाता है, और पहले प्रेसिडेंट भी बने, चेयरमैन थे आपके जैसा मैंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी में चेयरमैन थे जो है, ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रोमिनेंट मेंबर थे, इन जैसे लोगों के वजह से ही हमारा संविधान इतना मजबूत बना। अब आज का क्वेश्चन, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, दिस इज टूडेज क्वेश्चन फॉर कॉमेंट बॉक्स, यू हैव टू नेम द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, जो चेयरमैन थे ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, आंसर करते समय नाम अपना डाला करिए, आई डी, चूँकि कई बार ऐसा होता है कि आपकी जी मेल आई डी या जिस आई डी से आप सेंड कर रहे हैं कुछ लोग छोड़ देते हैं तो समझ नहीं आता कि किस बच्चे ने भेजा, तो प्लीज़ राइट योर नेम, आप ये नाम अपना जो स्कूल में नाम जिस नाम से एनरोल्ड हो वो करो। दूसरी चीज़ कि वो आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि काम सबका सबमिट, असाइनमेंट छोटे छोटे दे रहा हूँ मैं, बहुत लेंदी नहीं दे रहा हूँ, तो जस्ट कंप्लीट दैट वर्क, और अभी मैं आपको बताता हूँ अब जिन बच्चों ने कमेंट किया था लास्ट वीडियो पे, सो नाउ कीप इट अप स्टूडेंट्स, कीप कमेंटिंग, कीप एन्जॉइंग, एन्जॉय करते रहिए अपने पढ़ाई को, और अब नाम बता दूँ आपको, नैना श्रीवास्तव, अपर्णा शुक्ला, फिर
फिर एक ये आईडी ट्रिक्स करके आईडी है, इन्होंने रिप्लाई किया है। प्रथा ओझा, अभिलाषा श्रीवास्तव, देवेंद्र शुक्ला। अब ये वही चीज़ है, मैंने कहा ना कि नाम नहीं आते तो दिक्कत होता है। अभ्यांश ओझा, रवि पांडे, मेक स्पूफ ऑफ, अब ये आगे देखते हैं कौन है ये, कुमारी कुसुम, वैभव सिंह, अब ये कौन है, टेक्नो शशांक, शशांक सलोनी गुप्ता, खुशी सिंह, श्रेयांशी, अन्नपूर्णा, यशी द्विवेदी, अंशिका त्रिपाठी, देन निखिल सिंह, अनामिका चौहान, अंजलि तिवारी, अनुप्रिया सिंह, देन वी हैव दैट्स गजब फैक्ट, ये कौन है भाई, मेक स्कूप ऑफ, आई हैव कमेंटेड फर्स्ट, आदर्श पाल इज़ माई आई डी, आदर्श पाल इज़ नॉट योर आई डी, योर आई डी इज़ मेक स्कूप ऑफ, आदर्श पाल इज़ योर नेम, तो बेटा आदर्श पाल नीचे डाल दिया करो आप, ठीक है। आई डी किस नाम से उससे आई डोंट, इट डजेंट मैटर्स टू मी, आप नाम अपना, अभी जैसे दो तीन लोग का नाम नहीं आ पाया, हो सकता है घर वालों का नाम आ रहा है, तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो में आप अपना नाम डालना नीचे जो है। अरविंद शाह, देन अब ये फिर ये आरआरएस, अब ये कौन है आरआरएस जो है, अक्षांश अमन, देन युवराज पाल सिंह, अच्छा मेक स्पूफ ऑफ, युवराज पाल सिंह की आईडी है, तो बहुत आईडी है भाई तुम्हारी, तमाम आईडीज हैं, तो नाम डाल दिया करो, ठीक है युवराज, कमेंट तो इस बार तुम्हारा बाद में है, हर बार पहले आता है, लेकिन ठीक है। टोटल 34 कमेंट्स थे, उसमें से कुछ लग रहा है एक दो बाहरी के भी थे जैसे ट्रिक्स वाली आईडी से, तो आप कमेंट करते रहिए, बने रहिए पढ़ाई में, ऐसे ही घर पे काम करके सब समय से सेंड करते रहिए, और जब भी डाउट हो तो आप पूछिए, कीप कमेंटिंग, एंजॉय द स्टडीज़, गुड बाय, थैंक यू।